रोहतास जिला चिनारी प्रखंड के अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय सदोखर में 4 तक कक्षाएं हैं, लेकिन 5 ही क्लासरूम है, जिसके चलते अभिषेक कुमार को पढ़ाई में बाधाएं पहुंच रही है। अभिषेक जैसे और 300 छात्र छात्राएं हैं जो इस समस्या को सामना कर रहे हैं। दिक्कत होता है, एक बेंच पर 7 भी बैठते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? बेंच चाहते हैं और थोड़ा क्लास बढ़ा चाहते हैं। भवन की तो बहुत कमी है यहाँ पर, यहाँ एक भी पढ़ाने लायक भवन नहीं है। पुराने भवन 5 जो है वो जर्जर अवस्था में है, और जो 3 भवन 9-10 का है वो अधूरा पड़ा है। अभी तक उसका पैसा आया है, लेकिन पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा पैसा की निकासी नहीं किया गया है। मैंने परियोजना में मिला था जे साहब से और इंजीनियर साहब से, तो वो लोग बोले कि या तो पुराना मकान उसको रूम को गिरवा दीजिए या पेड़ को कटवा दीजिए। तो पेड़ को कटवाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए तो आगे आदेश लेना पड़ेगा। तो बीच में बेंच लगा के क्यों बैठे हैं? जगह नहीं है। जगह नहीं है? क्या जगह नहीं है, मतलब बैठने के लिए छोटा कमरा है। टीचर कितने हैं? मेरे विद्यालय में 15 टीचर हैं, जिसमें 2 टीचर प्रतिनियोजित है। तो क्या जो शिक्षा का अधिकार कहता है 1 से लेकर 5 तक 35 बच्चे, 30 बच्चे पे एक टीचर, और 6, 7, 8 तक 35 बच्चे पे एक टीचर, उस अनुपात से है टीचर? अनुपात में नहीं है, न शिक्षक है न कमरे है। तो कमरे और शिक्षक और पुस्तकालय नहीं रहने से आपके विद्यालय में क्या समस्या है आपकी? समस्या तो बहुत जटिल है, शिक्षक नहीं रहने से और कमरा नहीं रहने से। क्या उसका असर क्या पड़ता है बच्चे? उसका असर बच्चों को पढ़ने करेगा। अभी जाकर रूम में क्लास वर्क कक्ष में देखिए, बहुत से बच्चे खड़े मिलेंगे आपको, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर और शिक्षक आए और कमरा बने। आपके स्कूल में शौचालय है? नहीं, शौचालय नहीं, शौचालय है लेकिन बंद है। लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग है? है। यूज होता है? अच्छा, आपके पीने के लिए कल है आपके विद्यालय में? कल है लेकिन गंदा पानी पीते हैं हम लोग, ऑफिस में पानी पीने जाते हैं, ऑफिस भी लोगों को भी बंद है। तब अच्छा पानी नहीं आप लोग को मिलता है? नहीं, अच्छा पानी। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का अधिकार कानून का अनुपालन करते हुए जल्द से जल्द भवन का निर्माण किया जाए, ताकि अभिषेक और अभिषेक जैसे 300 बच्चे सही तरीके से बैठकर पढ़ सके। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 94 31 60 49 59 पर कॉल कर दबाव बनाएं और मेरा मदद करें, ताकि इस विद्यालय में जल्द से जल्द भवन निर्माण किया जा सके। मैं अमरजीत कुमार, ग्रामपुर सदोखर, थाना चेनारी, जिला रोहतास, राज्य बिहार, इंडिया, नहर के लिए।